तो भाई प्रशांत नील की फिल्म सालार रिलीज हो रही है दिसंबर में और केजीएफ फैन काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि यह फिल्म रिलीज हो, रिलीज में इसका पोस्ट क्रेडिट सीन में यहाँ पर रॉकी भाई की एंट्री हो या फिर फिल्म में रॉकी भाई का कैमियो हो, कुछ भी हो। तो इसलिए केजीएफ फैन जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं सालार का। लेकिन रिलीज से पहले ही प्रशांत नील ने कुछ ऐसा बोल दिया है फिल्म के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, कि फैंस बिल्कुल नाराज़ हो जाएंगे। हो सकता है कि सालार देखने ना भी जाए, क्योंकि जो केजीएफ फैंस है वो सिर्फ और सिर्फ यश का कैमियो देखने के लिए फिल्म देखने जाने वाले थे। लेकिन भाई रिलीज से पहले ही क्या हुआ है डिटेल में बात करते हैं। केजीएफ 1 रिलीज़ हुई, केजीएफ 2 रिलीज़ हुई, बाद में खबर आई सालार भी बन रही है, यह भी खबर आई कि सालार और केजीएफ एक यूनिवर्स बन रही, एक यूनिवर्स की दो फिल्में हैं, नील यूनिवर्स नाम दिया गया था। नील यूनिवर्स में सालार होगी, केजीएफ होगी, तो तीन चार फिल्मों को जोड़कर एक यूनिवर्स बनाया था फैंस ने। अब ये जो यूनिवर्स है ना, वो प्रशांत नील ने तोड़ दिया है। इंटरव्यू में हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में प्रशांत नील ने खुद ने उन्होंने मना कर दिया केजीएफ और सालार दोनों एक फिल्म नहीं, एक यूनिवर्स की फिल्म नहीं है, दोनों अलग अलग फिल्म है। क्या सवाल पूछा गया था और क्या जवाब दिया है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सवाल यह था कि क्या केजीएफ और सालार एक ही यूनिवर्स की दो फिल्में हैं, सीधा साधा सवाल था। नील ने बताया ये बिल्कुल अलग स्टोरी है। पहले तो उन्होंने कैपिटल में नो बोल दिया कि नो, बाद में उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल ही अलग स्टोरी है, दोनों की एक अलग दुनिया है, केजीएफ की भी एक अलग दुनिया है, सालार की भी एक अलग दुनिया है, दोनों के अलग इमोशन है। यहाँ पर बता रहे हैं कि केजीएफ एक अलग इमोशन था, सालार एक अलग इमोशन है। मुझे पता है केजीएफ से जो प्यार हमें मिला है, हमें लोग केजीएफ और उसकी दुनिया देखना चाहते हैं अगेन एंड अगेन एंड अगेन। उन्होंने बताया कि मुझे पता है केजीएफ से जो प्यार मिला है, केजीएफ के जो फैन है वो केजीएफ की दुनिया अगेन एंड अगेन एंड अगेन देखना चाहते हैं। आगे नील ने बताया कि मैं एक अलग दुनिया बना रहा हूँ, जैसे केजीएफ की दुनिया बनाई थी वैसे ही मैं एक सालार की एक अलग दुनिया बना रहा हूँ। मुझे पता है कि लोग इस दुनिया को भी पसंद करेंगे, जैसे केजीएफ की दुनिया को पसंद किया गया था वैसे ही सालार की दुनिया को भी लोग पसंद करेंगे। सो आई एम सॉरी दैट आई एम डिसअपॉइंटिंग द ऑडियंस, देर इज़ अ नो कनेक्शन इन बिटवीन केजीएफ एंड सालार। ये सेंटेंस प्रशांत नील के मुंह से निकला हुआ सेंटेंस है। तो भाई आज तक अभी तक जितनी भी थियोरी थी वो सब गलत साबित होती है कि भाई कैमियो होगा रॉकी भाई का सालार में, और फिर जो केजीएफ में वो बच्चा था वो यहाँ पर सालार है, वो सब कुछ जो भी थियोरी थी वो बिल्कुल गलत है। सालार एक अलग दुनिया है, केजीएफ एक अलग दुनिया थी, सालार जो है वो भी दो पार्ट में बनने वाले हैं, आप सबको पता है कि केजीएफ का भी तीसरा पार्ट आने वाला है। तो दोनों अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग यूनिवर्स है। अब वो यूनिवर्स में कौन कौन सी फिल्में आएगी वो तो प्रशांत नील को ही पता, बाकी आज तक अभी जितनी भी थियोरी थी वो सब थियोरी गलत थी। तो भाई ट्रेलर की बात करें तो सालार का ट्रेलर 1 दिसंबर को रात को 8 बजे लगभग रिलीज़ होगा। देखते हैं अब ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद क्या कुछ नया निकल के आता है। बाकी फैंस के लिए ये खुशखबरी नहीं है, ये दुख खबरी है। धन्यवाद।